अगर आप पे नहीं है व्यवस्था बताइए, हम लेंगे पैसे, लेकिन ये बदलवाइए, अपमान मत कराइए भाई। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी हमें बहुत ना, हमें मजबूरी में आना पड़ा, कुछ नहीं है। अगर हमारे रहबरों से आपस में इतना बिजनेस नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग? और यहाँ के लोग बाहर निकले, फिर ये हम तो कुछ नहीं है, लॉकडाउन सब टूट जाएगा, कानून का पालन करें, 5 दिन से नहीं आ गए लोग, समझिए, लेकिन एक सीमा आप कराइए, इसे लॉकडाउन तो मुक्त, अगर आपको पैसे नहीं तो बोलते प्रशासन आगे काम देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे लहरों का अपमान होगा तो ये क्या आपने कहा कि सबके अगर आपसे नहीं है बदलवाइए, अपमान मत कराइए भाई। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी हमें बहुत ना, हमें मजबूरी में आना पड़ा, कुछ नहीं है। अगर हमारे रहबरों से आपस में इतना बेइज्जती होगी तो क्या करेंगे आप लोग? इतने कंट्रोल की वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल के बारे में अभी यहाँ के चार्जों ने जानकारी दी, उन्होंने कहा किसी मंदबुद्ध ने कर दिया, ये एक बड़े समाज का मामला, 30 करोड़ फॉलोवर्स हैं संत चरण सतगुरु रविदास जी महाराज के पूरे देश में, और सब में नाराजगी इस बात को लेकर। हरिद्वार कोई छोटी जगह नहीं, बहुत अहम जगह है, पूरी दुनिया की जो है देखती, तो अभी भी जो मैंने देखा कि प्रतिमा जो है वो खंडित है, और यहाँ के प्रशासन ने मजाक समझ रखा, यहाँ की सरकार ने मजाक समझ रखा, उन्होंने बदली नहीं है, बस वो डेंट पेंट करके लगा के खड़ी कर दी, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करना। तो भी इंचार्ज जो यहाँ, आप उनसे लीजिएगा उनका बयान कि वो कब तक इसको ठीक कराएंगे, अगर ये ठीक नहीं होगी, हमने उनसे भी कहा अगर प्रशासन से पैसे ना हो सरकार में से तो हमें बताएं, हम अपने पैसे से जो है मूर्ति रखवा देंगे, लेकिन अगर इस तरह अपमान कर किया जाएगा पूरे समाज का तो बर्दाश्त नहीं। यदि प्रतिमा ठीक नहीं कराई जाती है तो आपका स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हम कहने में भी करने विश्वास रखते हैं, लॉकडाउन जिस दिन खत्म होगा, लॉकडाउन की बात करिए, अगर हम अकेले भी बैठ जाएंगे तो ये भी सरकार को भारी हो जाएगा, हम लॉकडाउन का कानून का पालन करते हैं, वरना संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का आंदोलन दिल्ली वाला लोग भूले नहीं है। मूर्ति खंडित में एक मंदबुद्धि को प्रशासन के अनुसार जेल भेजा गया है, संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्टि की तो बात तो ये है कि हम बेहतर जानते हैं पुलिस की कार्रवाई, जब पुलिस अपना पल्ला झाड़ना चाहती है तो किसी न किसी को भेजती है, लेकिन अच्छी बात है अगर वही अपराधी हो, अगर किसने शरारत की हो तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा, या तो बीमार भी के नौजवान है तो हम अपने आप भी निकाल लेंगे किसने किया है, लेकिन अगर अपराधी को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो इसके परिणाम से जो है